हेलो फ्रेंड, मैं हूँ नीतू और आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से एक ज़बरदस्त नाश्ता। गेहूं के आटे का चीला चीला ऐसा जिसे आप घड़ी देखकर 5 मिनट में बना लेंगे। और फ्रेंड, ये जो चीला है खाने में बहुत बहुत टेस्टी होता है, और टेस्टी होने के साथ साथ ही हेल्दी भी होता है। और जिसे बनाने के लिए हमें बाहर से कुछ भी नहीं लाना है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं ये गेहूं के आटे का हेल्दी टेस्टी चीला। तो गेहूं के आटे का चीला बनाने के लिए हम सबसे पहले एक ऐसा मिक्सिंग बोल लेंगे। तो बोल में डालेंगे 1 बाउल छना हुआ गेहूं का आटा, और इतने आटे से हमारे मीडियम साइज के 7 चीले बनकर तैयार हो जाएंगे। और साथ में ही डालेंगे 1/4 बाउल बेसन। फ्रेंड, बेसन डालने से ही चीले में एक जादुई सा इफेक्ट होगा इसके कलर, टेक्सचर और स्वाद में। मतलब बेसन ही है जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सब गेहूं के आटे की कोई चीज़ खा रहे हैं। तो प्लीज़ आटे में बेसन ज़रूर ऐड करें। और साथ में ही डालेंगे 1 छोटे साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, और साथ में डालेंगे इसमें मैंने यहाँ 4 लहसुन की कलियों को ऐसे बारीक चॉप कर लिया है। अब डालेंगे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक चॉप करा हुआ। इसके तीखे फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ 2 हरी मिर्च जिसे ऐसे बारीक चॉप कर लिया है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ इसके एक अच्छे टेस्ट और एक अच्छे कलर के लिए 1 छोटे साइज का टमाटर, जिसे मैंने मिक्सी में ऐसे मोटा मोटा पीस लिया है, जिससे चीले को खाने पर जो मुँह में टमाटर के टुकड़े आते हैं ना, उससे चीले का टेस्ट बहुत अमेजिंग हो जाता है। अब डालेंगे इसमें 1 फ्रेश फ्लेवर के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब ऐड करेंगे इसमें मसाले। तो पहले डालेंगे इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक, स्वाद अनुसार 1/2 छोटा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और चीले के एक अच्छे कलर के लिए डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और चीले के एक चटपटे फ्लेवर के लिए डालेंगे इसमें 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, और साथ में ही डालेंगे चीले के एक अच्छे टेस्ट के लिए 1 छोटा चम्मच अजवाइन। इसे डालने से चीले में एक अलग टेस्ट आएगा, तो इसे चीले में ज़रूर ऐड करें। और 1/4 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। अब डालेंगे इसमें 1 छोटे साइज़ का कच्चा आलू, जिसे मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया है। इसे चीले में डालने से चीले में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो चीले में आलू ज़रूर ऐड करें। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब डालेंगे इसमें 1 कप पानी, और सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए आटे का एक गाढ़ा सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए बैटर हमारा तैयार हो गया है, पर यहाँ पर बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है, तो मैं इसमें 1/2 कप पानी और डालूंगी और ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए अब हमारा चीला बनाने के लिए बैटर एकदम तैयार है। और फ्रेंड ध्यान से देखिए, एक अच्छा चीला बनाने के लिए आपका बैटर इस टाइप का होना चाहिए। ये देखिए एकदम परफेक्ट। और फ्रेंड इस बैटर की एक और ख़ास बात है कि इसमें आपको कोई इनो सॉल्ट और ना ही बैटर को घंटों रखने की ज़रूरत है। बस फटाफट से बैटर को बनाइए और अपने चीले तुरंत के तुरंत बना लीजिए। तो अब यहाँ पर हम अपने बैटर को थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कि सारे मसाले टेस्ट के अनुसार एकदम परफेक्ट हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पर ऐड कर लें। तो मेरे मसाले तो मेरे टेस्ट के अनुसार एकदम परफेक्ट हैं। तो चलिए फटाफट से चीला बना लेते हैं। तो देखिए चीला बनाने के लिए यहाँ मैंने पहले से ही गैस पर नॉनस्टिक तवा गर्म होने रख दिया है। आप यहाँ पर नॉर्मल तवे का भी यूज कर सकते हैं, पर चीला सेकने के लिए आपको ज़्यादा घी या ऑयल का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तवा गर्म हो गया है, तो तवे पर डालेंगे बहुत थोड़ा सा घी, और घी को चारों तरफ ऐसे फैला लेंगे। और अब डालेंगे 1 चम्मच भर के तवे पर ऐसे बैटर, और बैटर को ऐसे हल्के हल्के हाथों से ऐसे फैला लेंगे, और बैटर को एक गोल सी शेप दे देंगे। और देखिए चीले को यहाँ मैंने एक गोल सी शेप दे दी है। तो चीले को लो फ्लेम पर एक साइड सेकने तक का वेट करेंगे। यहाँ पर हमें चीले को लो फ्लेम पर ही सेकना है, इसलिए कि हमने चीले में जो कच्चे आलू डाले हैं ना, तो वो भी यहाँ पर अच्छे से सिक जाएंगे इसलिए। तो देखिए चीला ऊपर से अच्छे से ड्राई हो गया है, मतलब चीला नीचे से अच्छे से सिक गया है। तो चीले को पलट लेंगे।
तो चीले को पलटने से पहले एक नाइफ लेकर चीले के ऐसे चारों तरफ घुमा लेंगे ताकि चीला आसानी से ऐसे पलट जाए। और देखिए यहाँ पर हमारे चीले पर कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है ना, एकदम परफेक्ट। तो चीले को दूसरे साइड भी ऐसे ही सेक लेंगे लो फ्लेम पर। और देखिए चीला हमारा दोनों साइड से अच्छे से सेक गया है। ये देखिए चीले पर आया है ना दोनों साइड से अच्छा गोल्डन कलर, एकदम परफेक्ट। तो चीले को ऐसे निकाल लेंगे ऐसे एक प्लेट में, और सेम प्रोसीजर से बाकी के बैटर के भी चीले बनाकर तैयार कर लेंगे ऐसे ही। और ये देखिए फ्रेंड हमारा हेल्दी टेस्टी नाश्ता है एकदम तैयार। फ्रेंड जितना बैटर था उस बैटर से मेरे इतने साइज़ के 7 चीले बनकर तैयार हुए हैं। और ये जो चीले हैं आपके घर पर सभी को बहुत बहुत पसंद आएंगे अगर आपने एक बार बना लिए तो। ये खाने में इतने मज़ेदार होते हैं और साथ ही हेल्दी तो है ही, इसलिए कि गेहूं के आटे के जो बने हैं। और फ्रेंड आइए मैं आप सबको दिखाती हूँ कि ये चीले कितने सॉफ्ट होते हैं, क्यों है ना सॉफ्ट सॉफ्ट। तो चलिए चीले को थोड़ा सा टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। फ्रेंड चीला खाने में बहुत बहुत टेस्टी होते हैं और चीले के अंदर इतने फ्लेवर हैं कि हमें चीले के साथ किसी भी प्रकार की सॉस की कोई ज़रूरत नहीं लगेगी आपको। और मज़े की बात यह है कि इसको खाकर कोई बता ही नहीं सकता कि ये चीले आपने गेहूं के आटे से बनाए हैं। तो फ्रेंड्स सोच क्या रही हैं आप, तो फटाफट से किचन में जाइए और फटाफट से बनाइए। और चीले को बनाने में टाइम ही कितना लगता है, और अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इंजॉय करिए इस ज़बरदस्त चीले की रेसिपी को। और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि ये क्विक और फटाफट से बन जाने वाली चीले की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलती हूँ एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, जब तक के लिए बाय बाय।